दुनिया भर में 35 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को अपने बीच से जाते देखा है, और वो भी उस उम्र में जहाँ उनके चले जाने की कोई संभावना नहीं थी। जब परिस्थितियाँ आपके ऊपर आ जाती है, जब सर्कमस्टेंसेस साथ नहीं होते, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अगर आपकी कोई भी ड्रीम्स है अपनी फैमिली को लेकर, तो उसको आपको पहली प्रायोरिटी पर रखना ही चाहिए, उसके लिए आपको काम करना ही चाहिए। अगर वो चीज़ कल होनी है तो उसे आज ही करिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले हमने हमारे फैमिली के कुछ लोगों को हमारे बीच से जाते देखा इस कोविड की वजह से, और उसमें से एक व्यक्ति तो ऐसे जिसके बिना हमारे परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उस व्यक्ति के बिना अब ज़िंदगी कैसी होगी या परिवार कैसे चलेगा या क्या चलेगा, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और ये बात आज सिर्फ इसलिए हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि ऐसे सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, दुनिया भर में 35 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को अपने बीच से जाते देखा है, और वो भी उस उम्र में जहाँ उनके चले जाने की कोई संभावना नहीं थी। और जब ये घटनाएँ हुई, जब ये चीज़ें हमारे बीच हुई, हमारे साथ हुई, तो जो एक बात हमारे समझ में आई वो सिर्फ ये कि जब परिस्थितियाँ आपके ऊपर आ जाती है, जब सर्कमस्टेंसेस साथ नहीं होते, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने अपने आप को देखा, हमने खुद को देखा, हम जितने भी भाई हैं हमारे परिवार में, हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और न सिर्फ हम पर कोई भी व्यक्ति जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो बहुत सारे सपने संजो के रखता है कि हम अपने परिवार के लिए ऐसा करेंगे, हम अपने घर वालों के लिए ऐसा करेंगे, पेरेंट्स के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ढेर सारे अरमान हम सबके होते हैं अपने परिवार वालों के लिए। और ऐसे में इस तरह की दुखद घटनाएं हो जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये बात आज सिर्फ इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि जिस समय हम उस कोविड की परिस्थिति में थे, जब हमने अपने ताऊ जी को देखा कि किस तरह उनकी धीरे 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 करके उनकी हेल्थ जो है वो उसका लॉस हो रहा है, और चाहे हम कितनी बड़ी बातें करते थे, हम दुनिया जीत लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ जमाने भर की बातें जो हम किया करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने हेल्पलेस हो गए कि अपने सामने उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और हम कुछ कर नहीं सके। और वो जो अरमान हमने उनके लिए संजोए थे कि हम उनके लिए ऐसा करेंगे, उन्हें ऐसी लाइफस्टाइल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए या अपने घर वालों के लिए कुछ अरमान रखे होंगे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं बस आपको ये कह दूँ कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, तो ये जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है, ये जो दौड़ भाग है, इसमें कहीं वो चीज़ें पीछे ना छूट जाएँ, कहीं वो चीज़ें धुंधली ना पड़ जाएँ। आप खुशकिस्मत हैं अगर आप उन 35 लाख परिवारों में नहीं हैं। आप खुशकिस्मत हैं अगर आपके परिवार या आपके इर्द गिर्द आपने किसी अपने को नहीं खोया। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का जो नुकसान है जब परिवार में होता है, तो उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल होती है, और सबसे दुखद होता है वो बातें या वो सपने जो हमने संजो के रखे थे उस व्यक्ति के लिए जो हमको इस तरह से छोड़कर चले जाता है। जब ऐसा व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता, तो वो जो दुख है कि हम क्या उनके लिए करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, वो बहुत ही मुश्किल होता है, उसके साथ जीना बड़ा टफ होता है। बस ये वीडियो आज मैं सिर्फ इस बात के लिए शूट कर रहा हूँ कि हम अपने आप को एक रिमाइंडर दें कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम अपने परिवार या अपने के लिए करना चाह रहे हैं और उससे हमारा दिमाग ही भटक गया या हम लेट हो गए या वो चीज़ छूट गई। अगर ऐसा है तो उस चीज़ को पहली प्रायोरिटी पर रखिए। अगर आपकी कोई भी ड्रीम्स है अपनी फैमिली को लेकर, तो उसको आपको पहली प्रायोरिटी पर रखना ही चाहिए, उसके लिए आपको काम करना ही चाहिए। अगर वो चीज़ कल होनी है तो उसे आज ही करिए, क्योंकि ये जो समय हमने देखा, इतने लोगों को हमने अपने बीच से जाते देखा कि एक डर सा बैठ गया है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, कौन व्यक्ति कब तक हमारे साथ है, इस बात का कोई भरोसा नहीं। और ऐसे में वो चीज़ें जो हम उनके लिए करना चाहते थे, कहीं वो रह न जाए। बस ये बात ज़रूरी है समझना कि वो हर वो चीज़ जो हम अपनों के लिए करना चाहते हैं, वो हम समय रहते कर दें, उसमें कहीं हम लेट ना कर दें। हमने देखा है कि जो एक इनिंग थी जो हमारे पेरेंट्स को खेलनी थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ा दें, लिखा दें, उन परिस्थितियों में जब फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तब हमको बोर्डिंग स्कूल्स में भेजा, हमको पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें करी और हमको उस लायक बनाया कि हम ज़िंदगी में कुछ बन सकें, कुछ कर सकें। और जब दूसरी इनिंग खेलने की बारी आई, जब हमको पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, जब हमको उनको दुनिया भर की चीज़ें लाकर देनी थी, जब उनके लिए हमने हज़ारों चीज़ें सोची थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो हमको छोड़कर चले गए, राइट। और ऐसे समय में सिर्फ एक ही बात लग रही है कि अगर हमने थोड़ी जल्दी कर ली होती, अगर हमने चीज़ों को थोड़ा ठीक से प्रायोरिटाइज कर लिया होता, तो शायद हम कुछ कर पाते, राइट। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी रिग्रेट आप में से किसी के मन में ना रहे। ज़िंदगी में अगर कहीं पहुँचना है या कहीं किसी के लिए कुछ करना है, तो वो ज़्यादा लेट ना हो जाए,
कहीं वो लोग हमारे बीच से चले ना जाए जिनके लिए हमें करना है, ये चीज़ बस प्रायोरिटी से हो जाए। बस ये एक ही बात है जो मुझे आपको बतानी है, और सिर्फ ये बात बताने के लिए ही वीडियो मैंने शूट किया है। उम्मीद करता हूँ कि हम अपने आप को रिमाइंड करवाएंगे कि हमें अपनों के लिए क्या करना है क्या नहीं, और उनसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए आज की तारीख में कोई नहीं है, ये बात भी हमें पता रहे।